आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या आपकी बात हुई है पहलवानों से? अकेले खिलाड़ियों की नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान की लड़ाई भी, ये अकेले कुछ महिला खिलाड़ियों के मान सम्मान और उनके, अरे भाई आराम से, उनके उनकी उनके आदर और सम्मान के की रक्षा का सवाल नहीं है, ये सवाल भारत माता के सम्मान का भी है जिसको निरंतर रौंदा गया है। क्या कोई ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि जो खिलाड़ी पोडियम पर खड़े होकर के हमारा सबका राष्ट्रीय मान को बढ़ाते हैं, तिरंगे के मान को बढ़ाते हैं, उनको क्या जरूरत पड़ गई, क्या दर्द है ऐसा उनका, क्या ऐसी पीड़ा है, क्या व्यथा है जिसके कारण उनको ये जंतर मंतर पर जो है इतने कष्टपूर्ण स्थिति में बैठना पड़ा, और एक बार नहीं ये दूसरी बार उनको बैठना पड़ा जी, ये बड़े दुख की बात है और ये पूरे देश के लिए बड़ी चुनौती है। और इसलिए हम इन खिलाड़ियों के साथ, अपनी बेटियों के साथ अपनी भावनात्मक एकता जाहिर करने के लिए ये कहने के लिए, बेटियों, हमारे खिलाड़ियों, तुमने जहां हमारे स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी थी, वहां तुम लड़े हो, हमारे मान को आपने ऊंचा उठाया है, भारत माता के मस्तक पर आपने स्वर्ण और चांदी के सितारे जड़ने का काम किया है, और अब आपके संघर्ष में सारा देश, हम सब लोग एकजुट खड़े। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है पहलवानों की और मेरे बीच में नहीं है, यहाँ पर जो है राजनीतिक दल आ गए हैं, साजिश हो रही है पहलवानों के नाम पर, जो मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, दोहरा बनाया जा रहा हूं मैं। जो इनसे उनसे ये कहलवा रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं जब पहली बार ये बेटियां, ये पहलवान यहाँ पर बैठे थे, उस समय केंद्र सरकार के कोई नुमाइंदे, मंत्री और खुद खेल संघ का के तथाकथित अध्यक्ष जो हैं, यहाँ आकर के कहते, बेटियों क्या बात है, मुझसे क्या गलती हुई है जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो, मुझे क्या क्षमा नहीं किया जा सकता, कोई आया किसी ने उनसे कहा है? और FIR के लिए, FIR अपने, हमारा कानून कहता है महिला की सत्यत्व की रक्षा करने की बात, और उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो और उसके लिए FIR दर्ज कराने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, ये क्या एक हमारे लिए एक चुनौती नहीं है, एक चिंता का विषय नहीं है? और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार को चाहिए कि ऐसे संघ को बर्खास्त करे और इन खिलाड़ियों से क्षमा मांगे, और जो करेक्टिव स्टेप उठाए जाने हैं वो सारे करेक्टिव स्टेप उठाए जाएं, जिनमें से जो है ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो आपराधिक मुकदमा चल रहा है वो आपराधिक। सर एक सवाल, हम ऐसे व्यक्तियों का जो अपने खिलाड़ियों के सम्मान पर हाथ डालते हैं, जो बेटियों के, जिनको दुर्गा के रूप में पूजा जाता है, उनके सम्मान के पर हाथ डालते हैं, मैं ऐसे व्यक्तियों के प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता। प्रियंका गांधी जी की, वो ऐसे व्यक्ति जो है उनके, हाँ, उनको चुनौती दें, ये भारत की विडंबना है।